उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। तो दोस्तों जुबिन नौटियाल हिंदुस्तान के पहले ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने अपनी आवाज और जबरदस्त सॉन्ग से लोगों के दिलों में ऐसा जादू चलाया है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। उन्होंने बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली है। वही फैंस उनके सॉन्ग का इंतजार बड़े ही बेसब्री से करते हैं। वही फैंस भी जुबिन नौटियाल को अच्छी तरह से जानते हैं। वही जुबिन नौटियाल भी अपने फैंस के लिए बैक टू बैक सॉन्ग लाते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस बार पहाड़ों की गोद से आया हुआ एक सुपरस्टार सिंगर जुबिन नौटियाल अपनी आवाज का जादू चलाने जा रहे हैं बॉलीवुड की मास्टर फिल्म में, जो कि गदर 2। या दोस्तों हाल ही में दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया उनके आने वाले गानों के बारे में, तो उन्होंने बताया कि वो दो फिल्मों में उन्हें गा रहे हैं। इसमें से एक है मिशन मजनू और दूसरी है हिंदुस्तान की मस्ट अवेटेड मूवी गदर 2। यानी गदर 2 में इस बार जुबिन नौटियाल ने सुरीली आवाज का जादू चलाने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जुबिन नौटियाल पुराने सॉन्ग के रीमेक काफी शानदार तरीके से बनाते हैं, तो इसलिए ऐसी आस लगाई जा रही है मैं निकला गड्डी लेके और उड़ जा काले कावा जुबिन नौटियाल के शानदार आवाज में सुनने और देखने को मिलने वाला है। तो वही साथ ही गदर 2 के बारे में जिन्हें नहीं पता उन्हें बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीजेंडरी डायरेक्टर अनिल शर्मा मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि गदर 2 को बना रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि KGF चैप्टर 2 के बाद इस साल की दूसरी सबसे मस्ट अवेटेड मूवी भी है, जिसका फैंस कई सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और फिल्म निर्माता इस बात को अच्छे से जानते हैं, इसलिए इस मूवी की कहानी को उन्होंने पूरे 21 साल दिए हैं। तो वही दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी की कहानी जो है वो 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के वार के ऊपर होने वाली है, जहां सनी देओल यानी तारा सिंह का बेटा भारत पाकिस्तान के वार में पाकिस्तान में फंस जाता है और अपने बेटे को बचाने फिर एक बार सनी देओल पाकिस्तान पहुंचेंगे, जहां फिर एक बार सनी देओल एक बार फिर से तहलका मचाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों गदर की कहानी एक लव स्टोरी थी, वही इस बार गदर 2 की कहानी अब बेटे के रिश्ते पर होने वाली है। इसमें उत्कर्ष शर्मा अब बड़े हो चुके हैं, जो कि एक बार फिर से सनी देओल के बेटे के किरदार में नजर आने वाले हैं। साथ ही इस मूवी में अमीषा पटेल कई सालों बाद नजर आने वाली हैं। मूवी का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए रखा गया है और अनिल शर्मा इस मूवी को जी स्टूडियो के साथ मिलकर बना रहे हैं। वही दोस्तों आपको बताते चलूं, ये मूवी साल के एंड में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों आप फिल्म और फिल्म के सॉन्ग को लेकर कितना एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे फिल्मी न्यूज सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Oh, 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 oh,